वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी तुहानू बाबा श्री चंद जी नाल संबंधित होर साखियां दसन जा रहे हाँ। इस विच असी तुहानू दसांगे कि बाबा श्री चंद जी ने संगतां नू तीन कथावां सुनाईयां। एक कथा विच बाबा श्री चंद जी ने दसिया कि किस तरह मनुख जीभ दे स्वाद करके परमात्मा नू भुलिया होया है। दूसरी कथा विच बाबा श्री चंद जी ने दसिया कि मनुख किस तरह अपनी शक्ति नू भुलिया होया है। तीसरी साखी विच बाबा श्री चंद जी ने दसिया कि कीवें मनुख नू अपने सही कर्मा करके सही महात्मा दी संगत मिल सकती है। कीवें महात्मा अपने भगत दी प्रीख्या लै सकते हैं। बाबा श्री चंद जी ने उपदेश आरंभ करते हुए कहा कि ये जीव पदार्थ स्वाद करके मनुख मौत नू भुलिया होया है। इस दा दृष्टांत दिंदे हुए बाबा श्री चंद जी ने एक लकड़हारा बारे दसिया कि एक लकड़हारा जंगल विचों लकड़ियां कट के वेचन जा रहा सी। रस्ते विच उसनू बहुत ज्यादा धुप लगी, जिस करके वह थक के अपना भार हेठां रख के बैठ गया अते खूह उपरों पानी पीण लगा। उसने देखा कि एक घोड़सवार पानी पीण लई घोड़े ते बहुत तेजी नाल आ रहा है। जद उस वल आउंदे लकड़हारे ने देखा ते लकड़हारे ने सोचा, अगर मेरे पास भी घोड़ा हुंदा मैं भी घोड़े दी सवारी करदा। वह लकड़हारा यही सोच रहा सी कि उसनू नींद आ गई। लकड़हारा खूह दे किनारे सौ गया। उस लकड़हारे नू सुपना आया, उस विच वह घोड़े उत्ते सवार हो गया अते घोड़े नू तेजी नाल दौड़ांदा होया दो जा रहा सी। उसे सुपने दी अवस्था विच वह घोड़े तो उछलिया अते खूह विच जा डिगा अते उसते हत्थां पैरां विच सट लग गईयां। उस नू जाग आ गई तां वह खूह विच डिग्या होया सी। भगवान ने कहा कि लकड़हारे दे हत्थां पैरां ते जदों सट्टां लग गईयां, क्योंकि वह घोड़े उत्ते सवार दी खुशी विच उछल के खूह विच जा डिग्गा। भगवान ने कहा कि उस लकड़हारे दा घोड़े उत्ते सवार होना झूठा सी, पर उस झूठे पदार्थ ने इतना दुख दिता कि उस नू सट्टां लग गईयां। जिस वेले लकड़हारे नू खूह विचों कढ़न लगे तां उसने कहा, मैं तां सुपने विच घोड़े उपर चढ़िया सी, मेरी ए हालत हो गई। जो लोग हर रोज घोड़े उपर चढ़दे हन उहनां दा की हाल हुंदा होवेगा, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ। ਜੀਵ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर कोई बंदा इच्छा करके घरों तुर पवे तां वह धीरे धीरे अपने टिकाने ते पहुंच जांदा है। कोई बंदा चलदा होया थक जांदा है, किसे तो रस्ता पुछ लैंदा है। जद अगो कोई रस्ता दस दिंदा है रस्ता छोटा हो जांदा है। पर कदे ना कदे मनुख अपनी मंजिल ते पहुंच जांदा है। अगर पाठ पूजा भगती सच्चे मन नाल ना कीती जावे तां ओह पूजा लोकां नू दिखाउण वाली तामसी पूजा हुंदी है। जो लोकां नू दिखा के माला फेरनी पूजा करनी एह राजसी पूजा हुंदी है। जो नारायण दे नाम ते दान पुन रुपया वंडदे हन एह सातकी पूजा हुंदी है। चौथी निर्गुण पूजा जिस विच मुक्ति दी भी इच्छा ना होनी
यश आदि शुभ कर्म करके परमेश्वर का नाम अर्पण कर देवे। किसी भी चीज की इच्छा ना करनी सब तो श्रेष्ठ है। संसार रूपी समुंदर चो पार होने यह मानस दे भी है। इस नूं प्राप्त करके संतां दी संगत करे। ज्ञान दी प्राप्ति जन्म मरण तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुख नूं मनुखी जामा मिलिया है। मनुख दे जामे विच रह के प्रभु दा सिमरन करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान दी प्राप्ति वास्ते कर्म कांड करना जरूरी है। नितनेम पाठ पूजा तीर्थ स्थान माता पिता दी सेवा करना जरूरी है। शुद्ध आचरण विच जीवन बतीत करना जरूरी है। जद अंतर मन शुद्ध हो जाएगा फिर ज्ञान दी प्राप्ति हो जाएगी। जिस वेले ज्ञान दी प्राप्ति हो जाएगी तां कर्म कांड आदि दी कोई जरूरत नहीं रहेगी। मगर ज्ञानी पुरुष मर्यादा नूं मुख रखदे होए कर्म कांड त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उस ज्ञानी वल देख के बाकी लोग भी कर्म कांड छड्ड देणगे। जेकर ज्ञानी पुरश ने कर्म कांड छड्ड दिते, हर जीव नूं ईश्वर दा चिंतन करना चाहिदा है। भगवान बाबा कहा, पुरश अपना आप पहचाने कि मैं कौन हाँ। तुसी हर रोज उपदेश सुनते हो, मगर पूरा फल दी प्राप्ति तद हो सकती है जद उस उपदेश नूं सुन के मन विच वसा के अमल करो। ओह परमात्मा तुहाडे तो वखरा नहीं है, तुसी आप भी उसे दा रूप हो। मगर अज्ञानता करके तुसी अपना आप भुले हुए हो। अज्ञानता दा पर्दा दूर करके ज्ञान दी प्राप्ति हो सकती है। जद ज्ञान दी प्राप्ति हो जाएगी तो यह जीव अपनी अकल नूं सुधार के असल रूप दी पहचान विच आ जाएगा। जद तक यह जीव अपने आप दी पहचान नहीं करता कि मैं कौन हाँ, तद तक यह जीव नूं डर लग्या रहेगा। जद इसने अपने आप दी पहचान कर ली कि मैं कौन हाँ, सारे बंधना तो रहत हो जाएगा। इस दा ज्ञान महापुरशां दी संगत करके ही हो सकता है। इन्हां जिंदरियां दीयां कुंजियां संतां पास ही हुंदियां हन। संतां दी कृपा नाल ही ज्ञान दी प्राप्ति हो सकती है अते असी असली स्वरूप पहचान सकते हाँ। मिसाल दी तौर ते एक मिस्त्री जंगल विच्चों लकड़ियां कटवा रहा सी। जद शाम नेड़े आ गई तो मिस्त्री ने नौकरां नूं कहा, संध्या पैण वाली है, जल्दी करो, काम पूरा करके घरां नूं चलिए। उस जंगल विच एक शेर दा बच्चा रहिंदा सी। उसने भी यह गल सुन ली कि सारियां नूं मिस्त्री कह रहा है कि संध्या होण वाली है, यह संध्या मेरे नालों ज्यादा बलवान है। उस बच्चे ने सोचा, यह लोग मेरे पासों नहीं डरते पर संध्या पासों डर रहे हैं। जद शाम पै गई, मिस्त्री अते मजदूर आपो अपने घरां नूं चले गए। बच्चा संध्या तो डरदा होया सहम के बैठ गया। एक कुम्हार दा खोता गवाच गया। ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ? ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ,
तू भी इथो छेती नाल नस जा, संध्या बड़ी बलवान है, उसने मेनू दबाया होया है, तेनू भी फड़ के लै जावेगी। शेर ने कहा, तू बड़ा मूर्ख है, संध्या नाम शाम दा है, भाव हनेरे दा नाम संध्या है, कोई जानवर नहीं है, संध्या तेरे नालो ताकतवर नहीं है, तू अपने रूप नू पहचान, तू शेर दा बच्चा है, एक खोते ते कमिया तेरी खुराक हन। शेर दे बच्चे ने शेर दा कहना मान लिया ते उच्ची नाल गरजिया। उसे वेले खोते इटा सुट के दौड़ गए, कमियार भी डरदा होया दौड़ गया। शेर दा बच्चा फिर निडर हो के जंगल विच रहन लग पिया। इसे तरह जीव शेर है, पर अज्ञानता रूपी संध्या दे चुंगल विच फस के अपने स्वरूप नूं भुलिया बैठा है। जद तक पूर्ण महात्मा नहीं मिलते, तद तक यह संसार रूपी अंधेरा ढोंदा रहेगा। उस वेले यह गर्ज के सारे बंधन तोड़ के सुतंत्र हो जाएगा, अते निर्भय हो के अपना स्वरूप का चिंतन करके मोक्ष की प्राप्ति कर लवेगा, आवागमन तो छुटकारा पा लवेगा। इस जीव नू महापुरशां दी प्राप्ति वड्डे भागा नाल हुंदी है। जद महापुरश मिल जान, सब बंधन तो मुक्त हो जांदा है। जद संगतां वड्डी मात्रा विच एकत्र हो गईयां तां देव राम भगत ने बाबा श्री चंद जी अगे हाथ जोड़ के बेनती कीती कि महाराज, तुसी हर रोज महापुरशां दीयां महिमावां दा वर्णन करदे हो, अते दसदे हो कि संतां दी सेवा करके अपना जीवन सफल करो। असी अज्ञानी हाँ, पूर्ण संतां दी सानू कोई सार नहीं है, भाव पहचान नहीं है, असी तां तुहानू ही सब कुछ मानदे हाँ। तुसी भगवान दा रूप हो, जो हर रोज सानू पापियां नू उपदेश दे के सही रस्ता दिखाउंदे हो। तुसी भावें भुलेखे विच पाउण लई होर किसे महापुरश वल सानू भेजण दा उपदेश दिंदे हो, पर तुहाडे नालो वड्डा होर कोई महापुरश सानू नहीं मिल सकदा। हाँ, असी होर महात्मा दा सत्कार करदे हाँ, उहना दी सेवा भी करदे हाँ, पर जो सरदा भावना साडी तुहाडे उपर है, वो किसे होर उत्ते होना असंभव है। तुसी तां आप पार ब्रह्म रूप हो। यह सब सुन के बाबा श्री चंद जी बोले, हे भगत जनो, तुसी बड़े भागशाली हो, जिन्हां दे अंदर संत सेवा दा भाव है। तुसी अपना जीवन सफल कर रहे हो। तुसी महात्मा बारे प्रश्न कीता है, महात्मा दी लीला बड़ी बेअंत है। पूरन संत किसी भी स्थिति की परवाह नहीं करते, ओह संसार दियां वड्याईयां तो दूर रह के प्रसन्न रहिंदे हन। किसी पदार्थ की उन्हां नूं कोई भी इच्छा नहीं हुंदी। एक अस्थान ते गुरु चेला दो जने रहिंदे सन, ओह दोवें बड़े ज्ञानी सन, निरइच्छत निरलोभी सन, सादगी विच अपना जीवन बतीत करदे सन। उहना महात्मा दी शोभा दूर दूर तक फैली हुई सी। शहर दे बादशाह नूं जदों उहना बारे पता लगा कि ओह बहुत तपस्वी अते सदाचारी हन, बहुत लोग उहना ते भरोसा करदे हन, तां राजा अपने सेवकां ते राणियां समेत उहना दे दर्शनां लई तुर पिया। नाल ही तरह तरह दे पकवान बना के नौकरां नूं चुकवा के कुटिया वल चल पिया। उधर संतां ने विचारिया कि राजा चंगे चंगे पदार्थ लै के आ रहा है, इसे तरह दे पदार्थ खा के साडी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाएगी, असी
अपना अभ्यास पूरा नहीं कर सकांगे। साडे मन की प्रीति डोलन लग पवेगी। इस वास्ते ऐसा कौतक किया जाए जिस करके राजे की सरदा साडे उत्ते ना रहे। गुरु चेले ने आपस विच कोई गल मिथ लई। जिस वेले राजा पास आया तो गुरु चेला एक रोटी कारण लड़न लग पे। चेला कहे कि रोटी मैं खानी है, कल तुसी मेरे नालो वध रोटी खा ली सी। गुरु कहे मैं रोटी खानी है, मैनू भुख लगी हुई है। इस तरह गुरु चेला लड़न लग पे ते एक दूसरे नूं घूरियां कढ़न लग पे। जद राजे ने देखा यह तो गुरु चेला एक रोटी वास्ते झगड़ रहे हैं अते दोवें भुखे हैं। इन्हां पासों मैनू की प्राप्ति होवेगी, तां मैं अपना कल्याण किस तरह करवा सकांगा। महापुरशां दा संग करके मैं सोचा सी कि मेरे अपराधा दा नाश हो जाएगा, पर इन्हां संतां ने मेरा पार उधार कीवें करना है। जद कि एक रोटी बदले आपस विच लड़ रहे हन तां राजा निराश हो के मुड़ गया। जदों राजा वापस चला गया तां गुरु चेले नूं बहुत ज़्यादा खुशी होई कि वह सारे पदार्थ लै के वापस चला गया है ते साडा मन हुण भजन विच लगा रहेगा। जगत गुरु बाबा श्री चंद जी बोले, महात्मा भी इसे तरह हुंदे हन जिन्हां दी परख कोई ज्ञानी पुरश ही कर सकता है। जिवें राजा उन्हां महात्मावां दी पहचान नहीं कर सकिया क्योंकि राजे नूं कोई ज्ञान नहीं सी, उस कोल कोई सतसंगी नहीं सी। पदार्थां ने राजे दी बुद्धि भ्रिष्ट कीती होई सी। इह सब कुछ सच्चे आचरण नाल ही प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते महापुरशां दी सेवा करनी सच्चे मन नाल चाहीदी है। महापुरश कई प्रकार दे कौतक कर दिंदे हन तां कि किसी दी साडे उत्ते सरदा ना बन जावे, क्योंकि महात्मा दे अनेक मत हुंदे हन। तुसीं हर रोज जस सरवण करदे हो, इस वास्ते महापुरशां दी पहचान उहनां दे लक्षणां तों हो जांदी है। उह लक्षण उहनां दे कोल रह के ही पहचाने जा सकदे हन। एवें देख के पहचान नहीं हो सकदी। वड्डे लक्षण ही हुंदे हन कि विद्वान भी होवे, ब्रह्मचारी भी होवे, जग्यासु व्यक्ति ही अपने सही गुरु नूं पहचान सकता है। गुरु दी प्राप्ति शुभ कर्मा करके ही हो सकती है। इतना कह के बाबा श्री चंद जी ने सतसंग दी समाप्ति कीती। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोल भगवान बाबा श्री चंद महाराज जी दी जय।